हाय गाइस, वेलकम टू उजमास कॉर्नर। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की काली मिर्च चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 kg चिकन लिया है, 2 मीडियम साइज की प्याज ली है जिसको कि मैंने फाइन चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, और यहाँ पे मैंने 4-5 हरी मिर्चें ली हैं जिनको कि मैंने पीस लिया है, और 1 टीस्पून नमक। अब मैंने 1 कप दही ली है जिसको कि मैंने बहुत अच्छे से बीट कर लिया है, 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून तेल और 1 टेबल स्पून बटर। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाला है और उसे बहुत अच्छे से गरम करेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें 1 से 2 मिनट तक सॉफ्ट होने तक पकाना है। हमें ये मेक श्योर करना है कि प्याज का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। तो प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है और अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद से हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। 1 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद से हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई होने देंगे। इतनी देर में लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। तो 2 मिनट हो चुके हैं और चिकन लहसुन अदरक के साथ थोड़ी सी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक डाल के थोड़ा सा मिला देंगे इसको और फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखनी है। अब हम इसमें दही डाल देंगे और दही डालते ही हम इसे फौरन से मिक्स कर देंगे क्योंकि दही के फटने के चांसेस होते हैं। अब हम इसे 5 मिनट तक ढक के पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि चिकन जो है हमारी अच्छी खासी पक चुकी है। तो हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब हम इसमें अपने सारे सूखे मसाले और वो जो हरी मिर्च पिसी हुई थी वो डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद से हम इसे ढक के फिर से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जिससे कि हमारे मसाले भुन जाएंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि तेल जो है वो सरफेस पे आ चुका है। अब हम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे, इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब हम इसमें फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे। इसके बाद से जो हमने बटर रखा था वो डाल देंगे। अब इन सारी चीजों को डालने के बाद से हमें इसे बहुत देर तक पकाने की जरूरत नहीं है। हम इसे सिर्फ 2 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं और चिकन जो है वो हमारा रेडी है। तो हम इसे बस 1 मिनट तक फुल फ्लेम पे भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो तेल है वो सरफेस पे आ गया है, चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है। तो हम इसे हरी मिर्चों से गार्निश करेंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये रेसिपी तैयार हो गई। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें।
तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।